एक एक दिन भारी होता है बेरोजगारी का। आज तक एक जिम्मेदार व्यक्ति मिलने नहीं आया। ना मांग गलत है, ना आंदोलन करने का तरीका गलत है। हजारों की तादाद में हम ज्ञापन दे चुके हैं। आप रिश्ता बनाते हो तो रिश्ता को निभाओ भी। ये क्वेश्चन आप उनसे भी पूछिए कि जब पद स्वीकृत है तो देने में कहाँ आपत्ति है। इतना बदनाम ना हो मध्य प्रदेश, थोड़ा तो अपनी बनाओ। सियासत एक चुनावी खेल है, जनता बताएगी कौन पास कौन फेल है। नहीं रुक रही इनकी रेल है, अब ये जानेंगे कि आज भी इनको क्यों नहीं प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इनकी रेल क्यों नहीं रुक रही है। धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। भैया उससे पहले हम आपको बता दें, ना हम सरकार के साथ खड़े हैं, ना हम पीछे जितने लोग खड़े हैं उनके साथ खड़े हैं, हम जनता की आवाज़ और तर्कों के साथ खड़े हैं। क्योंकि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञान को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकेगा हमारा भारत देश महान। और महान बनने में कोई भी अगर विघ्न डालेगा उसको नंगा करने का काम हमारा है। लेकिन उससे पहले जो मांगे हैं, काफ़ी दिनों से मांगे हमारी चल रही हैं, तो हम जानेंगे कि मांगे आखिर कुछ बदलाव हुआ कि मांगे अभी भी वही हैं। जी मांगे के अभी भी वही हैं, जस की तस बनी हुई है। आज तक शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हजारों की तादाद में हम ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कहीं से कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं। आज तक एक जिम्मेदार व्यक्ति मिलने नहीं आया। कि अगर बेटा पिताजी से स्कूटी मांगता है और पिताजी अगर इनकार कर देते हैं, या तो मांगने में कमी है, तो मांग गलत है, या फिर आंदोलन करने का तरीका गलत है। ना मांग गलत है, ना आंदोलन करने का तरीका गलत है। सिस्टम गलत है, सिस्टम में जो बैठे अधिकारी हैं जिम्मेदार वो गलत है। 5 साल एक समय होता है, बच्चा बोलना सीख जाता है, स्कूल पहुंच जाता है। हम अब तक पढ़ के बैठे हैं रिजल्ट के लिए अपने के, हमें मिले नियुक्ति, कब तक बैठे रहेंगे। 18 मई 2018 को आपने 62,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, जो की भर्ती आज तक अधूरी। आज तक मात्र माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक में लगाकर कुल मिलाकर 30,000 पदों की भर्ती हुई। आपकी घोषणा अनुसार 32,000 पद अभी शेष रिक्त बचे हुए हैं। हमारी मांग सही है, हमारे पास प्रूफ है कि हमारे पद अभी भी रिक्त हैं। 22, 23 और 23, 24 से विध विभाग से मंजूर जो पद हैं उन पर हम तृतीय राउंड रोस्टर जारी कराकर नियुक्ति पत्र चाह रहे हैं। तो हमारी यही मांग है, जैसे सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं तो हमारे साथ भी न्याय किया जाए। एक ही मांग है, एक ही संगठन है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के पदों में वृद्धि, सम्मानजनक वृद्धि। मामा जी ने कल योजना चालू की है 2 दिन पहले, सीखो कमाओ योजना। देखो हम बीएड डीएड धारी समोसे और चाय बेचने के लिए मजबूर हैं, तो हमारे साथ भी न्याय किया जाए। कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, हमें पूरा उम्मीद है कि एक सरकार की तरफ से एक वकील आएगा, एक अपना वकील आएगा, तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, कई बार जिम्मेदार अधिकारियों ने हमसे कोर्ट केस करने का कहा, किसके नाम से केस लगाएं? सरकार के नाम से लगाएं या अधिकारियों के नाम से लगाएं? ये हमें बता दे तो हम केस भी लगा देंगे। यहाँ तक हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था है, लेकिन हम उस लायक नहीं है कि हम इतना खर्च कर सके। आप रोस्टर निकालते हैं ना, तो उसमें एक बात और लिख दीजिए कि अगर हम किसी विसंगति की वजह से आपको नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं तो आप कोर्ट जाएं और हमारे नाम से जाएं, तो हम जाएंगे। इस लायक नहीं है अभी हम कि न्याय व्यवस्था के पास जाए, कानून का दरवाजा खटखटाएं। कुछ लोग गए हैं लेकिन हम चाहते हैं जो जवाबदेही आपकी होनी चाहिए वो जवाबदेही आप बिल्कुल करें। कहीं ना कहीं आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ना तो बच्चों के भविष्य की चिंता है, ना शिक्षकों के प्रति कोई चिंता है, आपको अपनी राजनीति से चिंता है। इस पीड़ा को समझे मामा जी, जब आप रिश्ता बनाते हो तो रिश्ता को निभाओ भी। बार बार हम भोपाल आते हैं, आंदोलन करते हैं, किराया खर्चा हमारे पास नहीं होता है, किसी और से मांगते हैं, वो भी देने वाला भी कहता है कब तक दें और कब मिलेगी नियुक्ति, कोई भरोसा नहीं है। कह रहे हैं जब विपक्षी आ गए तो इसमें सियासत शुरू हो, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ना हम किसी एक पार्टी से हैं। हम शिक्षक बनने वाले हैं, ना हमारा कोई जाति है, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। हाँ हम मेरिट होल्डर हैं, 2018 में जो भर्ती 11 सालों में आई थी, इंतजार करते करते उसी को पूर्ण कराने के लिए आए हैं। अगर हमारी हालत को देखकर आप पक्ष के लोग नहीं आ रहे हैं और विपक्ष में के आ रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, हमारी नहीं है। क्योंकि आप जहां से आपको वोट दिख रहे हैं वहां ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप, तो हमारी ये मांग है कि हमारी और भी ध्यान दें। और ये देखिए वित्त विभाग से जब रोस्टर में पद स्वीकृत हैं 22, 23 और 23, 24 के, वर्ग 1 के 7,263 और माध्यमिक के ये 4,498, यही हम मांग रहे हैं। इन्हीं के साथ थर्ड राउंड रोस्टर जारी करके हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करें। ये क्वेश्चन आप उनसे भी पूछिए कि जब पद स्वीकृत है तो देने में कहाँ आपत्ति है। प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे, हमारे इस समय युवक भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके हाथ में केतली है, रोजगार का नया साधन है क्या ये? बिल्कुल, हमें 5 साल हो गए शिक्षा पेपर दी हुए, हमारी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हो पाई, तो हमारे पास और कोई
उपाय नहीं है चाय बेचने के अलावा। अपना खुद का रोजगार तो करेंगे हम, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये थोड़ी है कि सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे। सरकार ने 5 साल से हमें इंतजार कराया है, अब देंगे भर्ती, अब देंगे। उन्होंने जितने पदों पर रोस्टर जारी किया था उतनी भी भर्ती नहीं की है आज तक सरकार ने। हमारी जो जनता है बस एक चीज़ पूछना चाहती है, कई दिन हो गए आंदोलन से हल नहीं, एक बस आप हमको हल बता दीजिए, किस तरीके आपको हल यहाँ पे मिलेगा। हमारे 52 जिलों में अभ्यर्थी हैं, चुनाव है, मामा जी थोड़ा संज्ञान में ले, नहीं तो हम 52 जिलों से उनका चुनाव में विरोध करेंगे। नहीं मिलती इसका परिणाम आने वाले विधानसभा में देखा जाएगा। चुनावी वर्ष का हम बिल्कुल फायदा उठाएंगे। मामा जी से निवेदन है इस चीज को समझें, सबकी समस्याओं को अपनी समस्या समझें, तो चुनाव में उनको देखने को मिल जाएगा कि हम क्या है। चलिए भैया, सवाल हमारे सत्ताधारी से भी रहेगा, सवाल इन आंदोलनकारियों से भी रहेगा, और सवाल हमारे तर्कों के साथ उन जनता के सारे सवाल यहाँ पे रखे जाएंगे। और ऐसे ही और भी तमाम खबरों के साथ रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे आंदोलन का क्या अपडेट है और कितने दिन और चलता है। आपको क्या लगता है कि ये हमारा जो आंदोलन है ये कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे चलेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आओ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे।